हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस मटका कुल्फ़ी, जिसमें ना तो हम शुगर का यूज़ करेंगे, ना ही हम मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे और ना ही कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ करेंगे। और जिनको शुगर से परेशानी है, डायबिटीज़ है और जो शुगर बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आप लोग इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप और हम मिलकर बनाते हैं मटका कुल्फ़ी। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है, ये मैंने गाय का दूध लिया है, आप चाहो तो फुल क्रीम दूध भी ले सकते हो। अब हमें इसे बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए उबालना है और उबाल कर 1/4 तक रख लेना है। 1 लीटर से 3 मटका कुल्फी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है, ये 1/4 दूध रह गया है, ये बिल्कुल अच्छा रह गया है। अब हम इसे गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 100 ग्राम गुड़। ये 100 ग्राम गुड़ को मैंने लिया है, इसे अच्छे से तोड़ लिया है। आप गुड़ हमेशा गैस बंद करके 2 मिनट हो जाए उसके बाद ही ऐड करें, इससे फटेगी नहीं हमारी आइसक्रीम और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इसे धीरे धीरे मिला लेना है, ये धीरे धीरे गुड़ इसमें पूरा मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। ये हमें गैस बंद करके ही करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे एक बार, जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इसका अब है, वो है ग्राइंडिंग का। तो अब हमें इसे या तो हैंड ग्राइंडर से एक बार चला लेना है, अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे थोड़ा ठंडा होने दें, ठंडा होने पर आप इसे मिक्सी में एक राउंड चला दें, जिससे कि जो भी मलाई है इसमें वो सब टूट जाए और एक अच्छा कुल्फ़ी फॉर्म हो जाए। ये हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम और पिस्ते की कटिंग रखी है, ये हम इसमें थोड़ा डाल देंगे, थोड़ा हम ऊपर से इसका डेकोरेशन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है। ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। देखिए, हमारा परफेक्ट कुल्फ़ी का टेक्सचर रेडी है और ये पता भी नहीं चलेगा कि गुड़ से बना है। जिन्हें डायबिटिक की प्रॉब्लम है, जिन्हें और कुछ चीनी कम पसंद है, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है आइसक्रीम खाने के लिए। कुल्फ़ी खाएं, इसको बनाएं। ये देखिए, हमारे पास इस तरह का ग्लासेस है, ये बाज़ार में मिल जाता है, नहीं हो तो आप नॉर्मल इसको मोल्ड में भी जमा सकते हो, पर ये मटका कुल्फ़ी वाला ग्लासेस है मेरे पास, मैं इसमें जमाने वाली हूँ इसको। इसमें जाने के लिए बिल्कुल रेडी है दोस्तों। अब हम इसे 5 से 6 घंटा अच्छा डीप फ्रीज कर देना है। आप चाहो तो इसको ऊपर से कवर भी कर सकते हो कि जिससे ये और अच्छा जमकर तैयार होगा। कोई भी इस तरह का प्लेट लेकर आप इस तरह से कवर करें और फिर इसको फ्रिज में रखें तो ये और भी अच्छा जमकर तैयार होगा। इस तरह से आप कवर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुल्फ़ी जमकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है। अब हम इस पर करेंगे गार्निश। ये जो हमने बादाम और पिस्ते की कटिंग बचा कर रखी थी, ये इस पर हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इस तरह से हमें डालना है, उसके बाद ये देखने में और भी सुंदर लगने लगेगी। और ये जितनी देखने में सुंदर बनी है, उतनी ही खाने में भी ये स्वादिष्ट होती है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हम चम्मच से निकाल रहे हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट और एकदम मलाईदार बनी है। आप लोग इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।